एक औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर नफली रोजे रखती है बिल्कुल नजायज है, कोई सवाब नहीं। अगर नफली रोजे रखने हैं तो शौहर की इजाजत जरूरी है। एक औरत शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से निकलती है बिल्कुल नजायज है, हत्ता के फुकहा ने लिखा है अगर उसको उसके वालिद भाई मां की मौत की खबर भी मिले तभी इजाजत बगैर घर से नहीं निकल सकती। जो औरतें इजाजत के बगैर घर से निकलती हैं उन पे अल्लाह की नाराजगी होती है, हुक्म है कि घर में रहो, और बगैर महरम तो अल्लाह कहते हैं मेरे लिए हज पे भी ना हो। अब देखें हज फर्ज है, औरत के पास पैसा है, हज फर्ज है, महरम नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब तक महरम ना हो मत आओ। तो बहरहाल औरतों को भी अपने खामद की इताअत करनी चाहिए और खामद को भी अपनी औरतों से मोहब्बत और उल्फत का मामला करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वअना खैरुन लिअहली, उनकी कड़वी कसीदी बातों को बर्दाश्त करें, उन्हें कायल करें, उन्हें इस बात पे राजी रखें कि हम दोनों ने मिलके इस घर को संवारना है। ना अकेला शौहर कुछ कर सकता है ना अकेली बीवी कुछ कर सकती है, तो दोनों को इत्तेफाक इत्तेहाद से और अच्छे अच्छे उलमा के दर्स जो है वो कैसेट के जरिए मोबाइल के जरिए उनको सुनाएं। इसी तरह इस्लाम में जो खामद के हुकूक है वो किताबें उसको पढ़ाएं, पढ़ी हुई नहीं है तो कहो बैठो और पढ़ के सुनाएं, तो इंशाअल्लाह जल्द इस्लाह हो जाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।